वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की शदीद मजम्मत। सिपाह सालार और फौज के खिलाफ शरंगेज मुहिम शैतानी जहन की मनसूबाबंदी का नतीजा करार। 9 मई के लिए भी ऐसे ही जहन साजी की गई थी। साजिशी अनासर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। शहबाज शरीफ मुल्क और इदारों के खिलाफ हर साजिश कुचल देंगे। वज़ीर आज़म का 9 मई के मनसूबा साज सहूलतकारों और हैंडलर्स को दो टोक पैगाम। मुतल्लिका इदारों को मुहिम चलाने वालों के खिलाफ अंदरून और बैरून मुल्क कानूनी इकदाम की हिदायत। मुस्लिम लीग नून PDM का हिस्सा है। दुबई में मुलाकात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया। इतना बड़ा कदम उठाने पर हमसे मुशावरत क्यों नहीं हुई, ये सवाल मेरे जहन में है। वज़ीर आज़म ने वाज़ह कर दिया, मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे, इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। कहा जा रहा है गवादर हाउस पेशावर हमारे बंदे तोड़ रहा है, इनके लोग पहले भी हमारे पास आते थे, इत्तेहादी हमारी किरदार कुशी करेंगे तो हमें बुरा लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा में PTI हमारे लिए मसला नहीं, दबोच कर रख देंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत कार्रवाई करे। मौलाना फजलुर रहमान की सहाफियों से गुफ्तगु। भारत की आबी जारियत, रावी और सतलुज में पानी छोड़ दिया। दोनों दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। रावी में 1,85,000 पानी छोड़ा गया। PDM ने दरिया से मुलहिका अजला में हाई अलर्ट जारी कर दिया। चनाब में हैद बराला के मकाम पर पानी की आमद 1,99,000 क्यूसिक से बढ़ गई। अखराज 1,88,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाओं में पानी आने से डैम्स की सतह भी बुलंद। पंजाब में अभी कहीं सैलाबी सूरत हाल नहीं। भारत ने गुज़िश्ता साल भी रावी में पानी छोड़ा था। सूबाई इंतजामिया हालात पर कड़ी निगाह रखे हुए है, सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। सैलाब से इंसानी जानों को बचाना चाहते हैं। दरिया में कायम गैर कानूनी आबादी को क्लियर करना होगा। मोहसिन नकवी। शदीद बारिश से सड़क को नुकसान। कुहलू से बिशारा आमदोरफ्त के लिए बंद। मुसाफिर बरदार गाड़ियां फंस गईं। शदीद गर्मी में खवातीन बच्चों समेत दर्जनों मुसाफिर बेयारों मददगार। भारी मशीनरी ना होने से गाड़ियों को निकालने में मुश्किलात। जहलम में GT रोड पर सिलेंडर फटने से धमाका। होटल की 3 मंजिला इमारत जमी बोस। 7 अफराद जमाहक, 15 जख्मी। जोरदार धमाका होते ही धुएं के बादल छा गए। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। पांच फीसद वोटों के साथ मेयर बनने से कोई कराची का मालिक नहीं बन सकता। मेयर कराची आवाम के नुमाइंदे नहीं। 15 साल से शहर के वसाइल इस जमात के पास हैं, जिसके पास कोई मैंडेट नहीं। यहाँ कुछ लोग सिंधु देश का ख्वाब सजाए बैठे हैं। हम सूबों को सिर्फ इंतजामी यूनिट समझते हैं। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। नए सूबों का मुतालबा गद्दारी नहीं बल्कि इससे इनकार गद्दारी है। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, मुल्क को उस राह पर लाएंगे। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी। मनफी और नफरतों की सियासत बहुत हो चुकी। आसिफ जरदारी ने हमेशा मुफाहमत का पैगाम दिया। बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं कि कराची सबका है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चाहती है पूरी कौम जुड़ी रहे। दरमियान में कुछ लोग आए जिन्होंने आपस में लड़ाने की कोशिश की। हमने लोगों को ये नहीं कहना कि इदारों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाएं। आवाम को झूठे प्रोपेगेंडे की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में आज से इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले उस्मान सिद्दीक के होशुबा इंकशाफात। कश्ती हादसा रात 12 बजे के करीब पेश आया। यूनानी नेवी का जहाज लोगों को दूर से डूबते देखता रहा।
कश्ती के निचले हिस्से में 200 पाकिस्तानी सवार थे जो उसी वक्त डूब गए। उस्मान सिद्दीकी, दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। उस्मान पंजाब पुलिस का अहलकार है, छुट्टी लेकर यूनान जाने की कोशिश कर रहा था, मौजजाना तौर पर बच गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगुना सलीम सुनियारा गुजरात से गिरफ्तार मुलजिम लीबिया में मुकीम हादसे के मरकजी किरदार आसिफ का भाई है। मुतादिद पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे एफआईए हुकाम।